देखो भाइयन, रास्ता एक ही भला और राह रास्त और सच्ची वो है जो सीधी। बस राह को गौर से देखो भाईजान, जैसे दरख्त पर बैठा कट बढ़ई घास में कीड़े को देखता है, फिर उस राह को आजमाओ, परखो, देखो, आंको परत्याओ, चलो गुजरो और फिर अपने आप से पूछो, अपने आप से भाईजान, अपने आप से और किसी से नहीं, किसी अखबार रिसाले कॉलम या एडिटोरियल से नहीं, अपने आप से पूछो, अपने आप से सवाल करो कि इस रास्ते का कोई दिल भी है कि नहीं। रास्ते का दिल? रास्ते का कोई कल्ब है कि नहीं? कल्ब? और कल्ब चालू भी है कि नहीं? चालू कल्ब? देखो भाईजान, रास्ता तो चालू है ही, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रुक रहे हैं, झुक रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि रास्ते का कल्ब भी चालू है कि नहीं। अगर है तो सुभान अल्लाह, फौरन इख्तियार कर लो, मसाफत तय करने लगो, और अगर नहीं है तो रास्ता छोड़ दो, उससे अलग हो जाओ। हजूर, मेरे साथ एक अजीब और गरीब वाकया गुजरा है। वो भाई जान, अजीब वाकयात गुजरने के लिए होते हैं, गुजर गया होगा। इस वाकये में आप ही मुझे घेरते हैं, आप ही मुझे बचाते हैं, आप ही हमला आवर हैं, आप ही मुहाफ़िज़, आप ही सब कुछ। खुद कूजा, खुद कूजा गर, खुद गिले कूजा। नहीं सर, आपके दो रूप हैं, आप ही मारने के लिए जोरश करते हैं और आप ही लपक कर मुदाफियत करते हैं, आप ही मेरी ज़िंदगी और सलामती की हिफाजत करते हैं। वही ज़िभा भी करे वही ले सवाब उल्टा है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सब कुछ मेरी नज़र का धोखा था, मेरा वहम था? देखो भाईजान, न्यूटन की फिजिक्स तक तो इसे नज़र का धोखा या वहम इंसानी समझा जाता रहा, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के बाद ये ज़रा मुश्किल हो गया। मैं तुमसे 3 मरतबा कह चुका हूँ भाईजान कि अगर तुम्हें अपने बाबों के राह पर चलने का शौक है तो साइंस से गहरा लगाव पैदा करो। साइंस से? सारी साइंस से नहीं तो कम से कम फिजिक्स से। यही फिजिक्स लतीफ होकर मेटाफिजिक्स बन जाती। कि क्या हमारे बाबों को फिजिक्स आती थी सर? हमारे मिस्टिक्स के पास अपने तजर्बाती और आजमाइशी अमल का ऐसा फ्रेमवर्क होता था कि जिसमें आज की तरक्की याफ्ता तरीन तबियाती थीरी को भी आसानी से समेटा जा सकता है। लेकिन हुजूर, उनको मालूम था कि वो जिस रुख पर... दुनिया में 2 साहिबान-ए-इल्म ऐसे हैं भाईजान जो अमल के अखाड़े में उतर कर इल्म हासिल करते हैं, एक साईं, दूसरा साइंटिस्ट। दोनों को अपनी अपनी लेबॉरेटरियों में कलाबंद होकर इल्म हासिल करना पड़ता है, किसी किताब से नहीं, अखबार रिसाले या कॉलम से नहीं। फिर जब लेबॉरेटरी में उन पर हकीकत मुनकशिफ होती है, इल्म हासिल होता है, तो अल्फाज उनका साथ छोड़ देते, वो बयान नहीं कर सकते, अल्फाज उनका साथ नहीं देते, उनका बयान रुक जाता। उनका बयान रुक जाता है हुजूर? साइंसदानों पर अल्लाह का ये करम हुआ भाईजान कि उन्होंने अल्फाज छोड़े और हिंसे पकड़ ली, मैथमेटिकल इक्वेशन में अपने कश्फ का इजहार करने लगे भाईजान, है जी, यानी हिंसे लफ्जों से बाजी ले गए। सुभान अल्लाह, लफ्ज हिंसे से मोहतरम हो गया, मोतबर हो गया। हुजूर, आप कौन हैं? मैं मोची हूँ भाईजान,
खानदानी मोची हूँ। मेरा बाप गल्ला मंडी में मोची था, मेरा दादा कसूर में मोची था, और मेरा परदादा वो उच्च शरीफ में जूते गांठने का काम किया करता था। हजूर कहीं आप वो मोची तो नहीं? नहीं 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 भाईजान, नहीं मैं वो नहीं हूँ। वो बगदाद का मोची या वो झंग का मोची या वो यजमान का मोची, वो और लोग थे, उन्होंने अपना भेद छुपाया हुआ था। मेरा तो कोई भेद ही नहीं है भाईजान, मैं तो बल्कि मोची गिरी छोड़कर ज़्यादातर पालिश का काम करता हूँ भाईजान। फिर उस दिन हुजूर आप ही मुझ पर हमलावर हुए थे, आप ही ने मुझे बचाया था, वो आप ही का वजूद था जिसने। नहीं भाईजान नहीं, मैं कहीं नहीं था, मैं तो कहीं भी नहीं था। सब एटॉमिक लेवल पर मादा अपने यकीन के साथ किसी खास मकाम पर नहीं होता, होता नहीं भाईजान, बस होने का एक मिलान सा होता है, रुझान सा होता है, बस एक एहतमाल किसी सूरत होती है भाईजान। प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल क्वांटिटीज और रियाजियाती रकम में एहतमाल एक मौज बन जाती है, असल मौज नहीं भाईजान, आवाज की लहर या पानी की मौज, बस एक ख्याली सी मौज। और एक बात का ख्याल रहे भाईजान, जिंदगी बगैर मकसद कैसी है माँ जी, जैसे एक बोइंग जहाज जैसी जो तेजी से उड़ा चला जा रहा है, लेकिन उसे ये पता नहीं कि उसका लैंडिंग ग्राउंड कौन सा है, उसे ये इलम नहीं है कि उसने उतरना कहाँ है, उसे ये पता ही नहीं कि उसकी मंजिल कौन सी है। यार ये जिंदगी के लिए कम है कि तुम तीन तीन फैक्ट्रियां चला रहे हो, अपनी बूढ़ी माँ को लुक आफ्टर कर रहे हो, क्या ये मकसद है हयात कम है कि तुम अपने बच्चों को पैसे भिजवा रहे हो लंदन में, छोड़ी हुई मार्था को पाल रहे हो और हजारों मजदूर रोटी खा रहे हैं? अरे इंसान के लिए बचपन में खाना पीना खेलना कूदना काफी होता है, जवानी में मेहनत मोहब्बत का सफर काफी है, लेकिन हम में से चंद लोग ऐसे हैं हमारे इर्द गिर्द जो ग्रेटर मीनिंग ऑफ लाइफ को तरसते हैं, वो अपने तजर्बे से ये जानना चाहते हैं कि उनकी जिंदगी क्या है, वो क्यों पैदा किए गए। क्या तू लंदन वापस जाना चाहता है बेटा? नहीं नहीं माँ जी। क्या तू मुझे मेरा बोझ महसूस करता है बेटा? हर किस नहीं माँ जी। तो क्या तू शहर के लिए जाना चाहता है, सफर के लिए दूर दराज के मुल्कों में? नहीं, किसने कहा आपसे? तो फिर यूं रातों को गायब रहना, भटकते फिरना, ये सब क्या है बेटा? यही मुश्किल है माँ जी, जानवर चिरिंद परिंद मकसद हयात जिंदगी का लेकर आते हैं, बना बनाया घड़ा घड़ाया मकसद हयात, और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते हैं। इंसान जाती तौर पर जानवरों की सतह अपने लिए कबूल करता है और ऐसी जिंदगी बसर करता है। इरशाद, तुम्हें पता है कि तुम्हारा दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, तुम बीमार हो, जहनी बीमार। आप चुप करें आटी। तुम्हें पता है इरशाद कि तुम्हें एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, और ये सब कुछ तुम्हें मार्था ने इस हाल तक पहुंचाया है। मार्था का तो मैं शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे झिझोड़ा, इस कदर चक्कर फेरियां दी। वो मार्था का तो मैं शुक्रगुजार हूं, वरना मेरा कल्प कभी ना खुलता। गधे, ये सब राज खाने की मस्तियां हैं, दौलत की ज्यादती ने तेरे दिमाग के पेश ढीले कर दिए हैं, तुम शुक्रगुजारी के फन से नाशना हो गए हो। देखो माँ जी, अगर 5 मिनट में और ये राह रास्ते पे ना है ना, तो मैं इसे फिजिकल बीटिंग दूंगा। हद हो गई, यानी कोई बात है, यानी आपकी जान अजाब में डाल रखी है शख्स ने। अरे भाई, इंसान का जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया
न भूख है, न जहालत है, न गुर्बत है, और ना ही मौत उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया। उसको सबसे गहरा दुख इस हकीकत से आशना हो जाना है कि वो क्यों पैदा हुआ है, क्यों सफर कर रहा है वो। क्या कोई उससे हिसाब करके इंसाफ करने वाला नहीं? और इतना कुछ है लेने के बाद वो क्यों मर जाता है? कोई उसको जानने वाला नहीं? खैर छोड़, तू क्या जानेगा, तू नहीं समझ सकता। बेटा, क्या मैं भी तुझे नहीं समझती? नहीं भाई, जिस सफर में मैं हूं इसको मैंने अकेले तय करना है। ऐसा कर, तू एक बार, सिर्फ एक बार तू मेरे साथ चला चल। डॉक्टर अख्तर बड़ा अच्छा साइकेट्रिस्ट है, वो तेरी गुत्थियां हल कर सकता है। अरे भाई, अगर मैं चला भी गया तो मेरे सवालों का जवाब उसके पास नहीं होगा। चलो, अगर मैं उसे सेटिंग लूंगा तो वो अपनी साइकेट्री छोड़ देगा और किसी और तरफ निकल पड़ेगा। तू चाहता क्या है? आखिर चाहता क्या है तू? बस माँ, बकदरे जरूरत दुनिया अपने हाथ में रखो और बाकी सारा बोझ अपने कांधों पर से उतार दो। क्या तू मुझे भी बोझ समझता है बेटा? हाँ माँ जी, जिस सफर में मैं जा रहा हूं मैं आपको साथ नहीं ले जा सकता। मैं सुनता हूँ। माँ जी, मैं तो बस, मैं तो इतना तो, मैं कह रहा हूँ कि एक प्लीज लॉन्ग डिस्टेंस कॉल है। हेलो, हाँ हेलो मार्था, हाउ आर यू? हेलो, हाउ आर यू माय डियर? हाँ, हाउ इज इब्राहिम? फाइन फाइन। हाउ इज आइज़क? वेल, हाँ या या, no 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 Martha, you can't come here. We just cannot live together here. Life patterns are different over here, darling. You can't live with Maji. For heaven's sake, try to understand me. You can't live here. Life pattern is different. This is not best, for heaven's sake. Bye. क्या कह रही थी मार्था? वो कह रही थी कि मैं आना चाहती हूँ, यहाँ कुछ दिन रहना चाहती हूँ। कोई नहीं, वो वहाँ उस मुल्क में वो लोग रहते हैं, शादी के बगैर भी रहते हैं। इसीलिए तो तेरा दिमाग फिर गया है। नहीं माँ जी, नहीं, किसी को ऐसे बगैर हिसाब किताब किए भी उस पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। हो सकता है कि उसकी इसी बातों ने मेरी आंखों पर से पट्टी खोल दी है। इरशाद साहब, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप मेरे साथ डॉक्टर अख्तर के पास चलेंगे या नहीं? तू भी भोला आदमी है शुजात, मंजिल की तलाश को बीमारी समझता है क्या? क्या यही कुछ सीखा है तूने जिंदगी से? बस इतना ही? बहुत दिनों के बाद आया है बाबू का। बस हजूर, दुनिया के धंधे को इतने लंबे हैं कि वक्त नहीं मिलता। अच्छा काम तो एक तरफ रहा,
बद काम के लिए भी वक्त नहीं मिलता। शाबाश शाबाश, फिर तो तू बाजी ले गया, झंडी जीत गया बाबूलों का। वो कैसे हजूर? बाबूलों का, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के वास्ते पैदा किया है, और बस सभी उसकी इबादत करते हैं। सभी उसकी इबादत करते हैं? ले है किसी की मजाल कि उसके हुक्म के खिलाफ करे, अल्लाह के हुक्म से निकल जाए। वो इबादत के लिए पैदा करे और कोई उसके बरखिलाफ करे, मरना है। मैं समझा नहीं हजूर। ओ मेरा सोना, सीधी बात है कि जो जिस काम के लिए पैदा हुआ वही उसकी इबादत है। लकड़हारे की इबादत लकड़ी काटना, और मेरी इबादत बकरियां चराना है। तेरा काम कलम चलाना है, और तेरी घरवाली का रोटी हांडी करना है। यही हमारी इबादत है, और इसी में हम खुश हैं। लेकिन जिसने अपने पेशे के साथ बेईमानी की, उसने अपनी इबादत में डंडी मारी, बस वो मारा गया, वो तबाह हो गया। अब मेरे लिए क्या इरशाद है? तेरे लिए क्या इरशाद होना है? तू खुश रहे, आबाद रहे, वही काम कर जो तू करता रहा है, वही काम तेरे लिए ठीक है। मेरे काम में ईमानदारी नहीं, पाकबाजी नहीं, मुनाफ़क़त शिर्क बहुत है। देख बाबा लोका, सिर्फ वहदानियत शिर्क से पाक है। वहदानियत को सत्य खैरा पर ईमान जो चलता है बाबा लोका, तो शिर्क की भीड़ भाड़ में चलता है। शिर्क की मंडी और शिर्क के भरे बाजार में चलता है। और ईमान बड़ी चीज है, मगर बिना शिर्क के अंधेरे के इसका नूर नजर नहीं आता। इसको उस भीड़ से गुजरना ही पड़ेगा। डरा न कर, अपने बड़ों का नाम लेकर इस भीड़ से गुजर जा। छुट्टी के रोज आपके साथ आ जाए करूं बकरियां चराने, हफ्ते में एक रोज? नहीं। महीने में एक रोज? बिल्कुल नहीं। हुजूर, आप ही ने तो फरमाया था कि बकरी चराने वाले को ना मानने वाले के साथ रहने का इल्म अता हो जाता है। मैं ये इल्म हासिल करना चाहता हूँ। मैं ऑपोजिशन के साथ खुश दिली से रहना चाहता हूँ। मैं मुखालफों के साथ खुश खुलकी से पाने का राज हासिल करना चाहता हूँ। Thank you.
क्या रास? थोड़ी नींदों की माती गाफिल, उठ, सूरज उगने को आया। तो फिर मैं क्या करूं दादा, उगने दे, उसे तो कोई काम ही नहीं। सोने का वक्त नहीं है बच्ची, इबादत का वक्त। अल्लाह, कभी तो सो मर लेने दिया कर दादा किसी को। जो सोता है वो खोता है पगली। चल अच्छा, खो लेने दे मुझे। जाने मेरे पास खो देने को क्या है ऐसा कीमती। उठकर देख तो सही, सारे इबादत गुजार उठ गए, चरिंद परिंद दरख्त पानी सारे। मेरे दादा मीर हसनुल्लाह कहा करते थे, पोते जब लोग देर देर तक सोया करेंगे, सुबह उठकर अल्लाह का नाम लेना छोड़ देंगे तो कयामत करीब होगी। या मेरे खुदा, तो आ जाए ना कयामत, सारी कयामतें तो देख चुके, अब अल्लाह की कयामत का ही मजा चखे। कभी कभी जहां आ रहा मुझे लगता है कि तू जैसे बेलिहाज उसे बहुत पसंद है ऊपर वाले। ले, अब तू नाराज ही हो गया। ये तूने कैसे अंदाजा लगाया? जब तू हंसता है ना दादा, तो मुझे पता चल जाता है कि तू नाराज है। दादा, ओ दादा सुनियो तो। हाँ जी हाँ। और जब किसी का जी नमाज पढ़ने को ना चाहे और वो पढ़ता भी रहे तो भी अच्छा? तो और भी अच्छा है बेटी, दवा तो अनमाने जी से भी पी रहो तो आराम देती। जारा फरमा। कुछ चाय बना दे सुस्तीली पोती। पत्ती नहीं है दादा, और शायद तुझे इल्म ना हो, चाय पत्ती से बनती है। चल ना सही, मुझे कौन सी आदत है, तो ऐसी कह रहा था। दादा तुझे कोई ढंग का काम नहीं आता जिससे सहूलत की रोटी मिलती हम दोनों को? अरे कूदन, हमसा कारीगर आज कहां? हमारे पुरखों ने ताजमहल बनाया, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया के पिछवाड़े रहा करते थे मेरे दादा, ऐसे तुगरे बनाते थे ताशकंद बुखारा से साहिब नजर आते थे देखने। चल रहने दे, तेरे बर्तनों को तो कोई देखने ना आया गलती से भी, कभी लोटा बिक गया तो कभी थाली, दाम भी जब मिले किस्तों में, कतरा कतरा। इस बस्ती के लोग इस फन को समझते नहीं है, साहिब नजर नहीं है, सादा लोग। सारा दिन जो तू उस बासन को पत्ती पत्ती सजाता है, दिल नहीं भरा तेरा इस मशक्कत से? पिछले 30 बरस में तो भरा नहीं, अब आगे की अल्लाह जाने। पिछलों को याद करता हूं, इस बर्तन को सजाता। अल्लाह का बड़ा एहसान है जहारा, बड़ा करम बड़ी मेहरबान। तो जैसे किस्मत क्या जागनी है, तेरे साथ तो हम भी मारे गए, जो थोड़े पर राजी हो उसे ज्यादा देकर जाहिर करना है ना, किए जाए इबादत रात दिन। उम्र की इबादत दो तौर की होती, एक इबादत कल्ब करता है उसका नाम ले लेकर, दूसरी इबादत हाथ करती। मां बच्चा पाले इबादत, मजदूर रोड़ी कूट रहे इबादत, दिल नाम जपे इबादत। मामला साथ साथ चले तो बात बनती। चली गई तैरती कब है बाबा तहसीन के पास?
ये आम माँ ने भिजवाए हैं। झूठ। क्यों? माँ आम नहीं भिजवा सकती। भिजवा तो सकती है इतरत, पर मुझे नहीं। क्यों? बस है ना कोई बात, उस दिन जब तू गुड़ लाया था मेवे आला, वो भी माँ ने नहीं भिजवाया था। क्यों? उसी ने तो कहा था कि बाबा तहसीन को दिया। जब तूने उसे कहा था कि बाबे तहसीन को दे हूं मेवे आला गुड़, तो वो बोली थी अच्छा जैसी तेरी मर्जी। अच्छा, तुझे कैसे पता चला जहांरा? बस हमें पता चल जाती है ना सारी बातें, दिल के भेद अंदर के ख्याल। अच्छा, जरा ये तो बता के मेरे दिल में क्या है। मुझे पता है सारा, लेकिन मैं जुबान पे नहीं ला सकती थे। चल मेरे कान में ही कह दे मेरे दिल में क्या है बोला। बता दूं? हाँ बता दे। लाल गुलाबी ना हो जाना सुनकर। नहीं होता, तू कान में कहकर तो देख। मियां मिठू गवाह रहना, बाद में तो कहीं मुकर ना जाए। ले जा रारा, आज पूरे 32 साल 3 महीने के बाद ये बासन खत्म हो गया। हर तरफ से देख ले, कहीं कोई नक्स नहीं। आज दादा हसनुल्लाह होता ना तो कहता कि वाह पोते, जी खुश कर दिए। अरे वाह, आज तो इतरत भी आ गया, कहीं से भूला हुआ। पापा काम खत्म हो गया भांडे का? काम तो खत्म हो गया, पर इसका ग्राहक कहाँ है दादा? ले तू दरवाजे में क्यों खड़ा, भी अंदर आ। बेटी जहान आरा, जब साहिब नजर की निगाह पड़ गई, जब आंखने वाले ने देख लिया, जब सूरज की शुआएं इस पर पड़ी, ये चमका और परखने वाले ने इसकी कद्र कीमत लगाई, तो एक ही जस्त में हमारे सारे दुख दलिद्र दूर हो जाने। दादा तू इसी उम्मीद पर जीता है शायद। आमों वाली हवेली में शहर से बड़े चौधरी जी आए हैं, तू उन्हें क्यों नहीं दिखाता जाकर? सुना है शहर वालों को बहुत शौक होता है ऐसी चीजों का। तू कहता है तो ले जाऊं, पर मुझे उम्मीद कम है। वाह, काम भी लाया है और बताता नहीं। ये माँ ने भेजे हैं, दुसहरी हैं। तेरी माँ बड़ी भली औरत है जमानी बुआ, वो इस बस्ती में ना होती तो हम तो फाको मर गए होते भाई। दादा कुछ और लोगों को भी हमारा बड़ा ख्याल है, लेकिन वो मुंह से कह नहीं सकते। अच्छा, कौन भला? बस है ना, तू जाकर क्या लेगा? ये एक नजर कड़े देख ले चौधरी, 20 तोले के हैं। बड़े अच्छे, नजर डाली नहीं, बड़े अच्छे। तेरी नजर तो पड़ी है ना इन पर। और ये हार देख चौधरी नजीर, मैं पहनूंगी तो तब तो तुझे नजर ही नहीं आना। अच्छा है, बड़ा अच्छा है, ऐसे कई बनाए तू, अल्लाह करे। तुझे किस चीज का शौक है? जमीन का, बंदूक का, घोड़े का और भी है शौक, लेकिन तुझे बता नहीं सकता। और साग हो, लस्सी भी हो साथ, और माँ के हाथ की बनी रोटी हो मकई की। ले बुड्ढा हो चले, अभी तक माँ के हाथ की पक्की नहीं भूला। तूने पूछा क्यों? और जी वो बाबा तहसीन आया इस वक्त? आने दे, वो कब किसी के घर जाता है? मेरे लिए तो अचंभे की बात है। ये भला सारे जेवर ना, हार कंगन और तवीतियां, कितने के बने होंगे भला? जितने के भी बने हैं मुंशी से ले लेना। ये करीब करीब 2.25 लाख के हैं चौधरी। बहुत अच्छा है, तू हौसला रख,
मरी क्यों जाती है कमीनों की तरह? अस्सलाम वालेकुम चौधरी। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ आओ, बैठो बुजुर्गो, बैठो बैठो। शुक्रिया जी। और सुनाओ, क्या हाल है आपकी बस्ती का? बस्ती अल्लाह के करम है जी। बाबा जी, हमारे पिंड जहां आरा को लेके आना, वो दही के खट्टे बैंगन पका जाए, बड़े स्वादी पकाती है। आप हुक्म करें बेगम साहबा, वो घर से पका कर ले आएगी। ना ना, यहाँ पकाए, मेरे सामने, मोरी खतून के सामने। अच्छा जी, मैं ले आऊंगा किसी दिन उसे। हाँ जी, हुक्म करो बाबा जी। हुक्म क्या चौधरी जी, एक अर्ज है। पूरे 32 साल 3 महीने हो गए इस बासन को सिंघारते सवारते। बरसों मेहनत की है मैंने, लेकिन कोई साहिब नजर नहीं मिला। वाह 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 वाह, खूब दिल लगाकर खड़त की है बाबा तहसीना। लेकिन हम लोग तो डंगर हैं, इतनी बारीकी को समझ नहीं सकते। ये कितने का है? इसमें ना मैं मकई के फूले बना के रखूंगी। ये बिकाऊ नहीं है बेगम साहब, ये तो ऐसे ही मैं ले आया था चौधरी साहब को दिखाने के लिए। नहीं, फिर भी कितने का है? ना तूने इन्हें कानों में पहनने हैं या हाथों पे सजाने हैं? जिस गांव जाना नहीं उसका नाम क्या पूछना? काकी का रिश्ता हो गया है बाबा तहसीन? अभी कहां चौधरी जी, बस कुछ माल बिक जाए तो फिर। जब उसकी शादी के दिन मिथे जाएंगे ना, तो मुझे जरूर बताना बाबा जी। बड़ी अच्छी है तेरी जहार। हाँ जी। अच्छा सरकार, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारी उम्र दोहरी इबादत की तरत मियाँ, कल्ब से भी और हाथ से भी। इसीलिए तो कहता हूँ कि इबादत का हुक्म हर वक्त है। 5 वक्त तो हाजिरी लगानी होती, बाकी इबादत तो सारा दिन चलती। लेकिन चाचा जी, हम वक्त कैसे हो सकता है अल्लाह का जिक्र? जब तू यक्का चलाता है, इबादत करता है। जब मैं सुराही गुलदान थाल में गुलबूटे बनाता हूं, तो इबादत ही तो होती है। हाथों से रिस्क हलाल खाने और खिलाने वाले और क्या करता है इतरत बेटा? जब मेरी जहां आरा कशीदा करती या सालन बनाती, तो वो भी तो इबादत ही करती। चाचा तहसीन, डाक बंगले में शहर से बड़ा अफसर आया है। कल उसने बस्ती की औरतें बुलाकर इतने सारे कशीदा किए हुए दुपट्टे चादरें खरीदी। तू भी अपना गुलदान ले जा उसके पास। ना यार, मुझे ऐसी बातों में ना डाल। तू कोशिश तो करके देख, फिर इसमें हर्ज ही क्या है? कौन जाने टेवा लग जाए। कौन हो भी तू, कैसे लगे आ रहे हो? चौकीदार, चौकीदार। सलाम सरकार। वो तो ठीक है, लेकिन काम क्या है? सुना है हुजूर कुछ दस्तकारी खरीद फरमा रहे हैं बस्ती वालों से। अच्छा अच्छा,
बैठिए। शुक्रिया। मेज़ पोश लाए हैं या दुपट्टे? हुजूर मैं तो एक अजूबा रोजगार लाया हूं। हमारे पुरखों ने ताजमहल में बेल बूटे बनाए थे, पिचकारी का काम किया था। मेरे दादा मीर हसनुल्लाह ऐसे तुगरे लिखते थे, ऐसे हर्फ बिठाते थे बेल बूटों में, बस बुखारा से लोग आते थे देखने। एक एक जोड़ नहीं है सारे बासर में, कहीं कहीं कोई कसर हो, कोई नक्श हो, मैं देनदार। पूरे 32 साल 3 महीने में इसके नक्शोनिगार बने हैं मुसलसल घड़त के बाद। अच्छा है, क्या लोगे? जो आपकी खुशी सरकार। 200 रुपए काफी होंगे, और वो भी मैं तुम्हारा बुढ़ापा देखकर कह रहा हूं, वरना इसके साथ के लाहौर में 150 रुपए में आम मिल जाते। 200 रुपया सरकार, 200 रुपया इसका, सिर्फ 200 रुपये। शुक्रिया तहसीन भाई, अल्लाह सलामत रखे, खुश रखे। बस अब ज्यादा पान खाए नहीं जाते। सुबह को एक मुंह में रखा और वही शाम तक। और जो राज सुबह वाला फेंक दे, नया ले ले। नहीं तहसीन भाई, बस अपने ढब में रहने दो। ये रोज की अदला बदली भी जान की बैरी हो जावे। एक दिन में क्या फर्क पड़ जाएगा जमाने को? एक दिन में ही तो फर्क पड़ता है तहसीन भाई। एक दिन मैंने अपनी सहेलियों के कहने पर मिस्सी की धड़ी जमा ली तो मेरी अम्मा ने मुझे सोंटे से मारा। अच्छा। बड़ी जाबेर थी। तो और क्या, कहने लगी आज धड़ी जमाई है, पता नहीं कल को क्या करेगी। खौफ ज्यादा रहती होगी। हाँ, और अगर आज वो जिंदा होती तो मुझे रिश्ता मांगने देती जहां नारा का। कहती ना बाबा, हमने क्या करनी है जहां नारा जैसी लड़की, चटाख पटाख बोलने वाली। बोलती भी चटाख पटाख है जहां नारा, पहनावा भी अलग है तेरे से और सोच भी जुदा। क्या करेगी ले जाकर जहां नारा का? बाप क्या करता था जहां नारा का? बस्ती में तो उसका कोई जिक्र अजकार नहीं। बाप पता नहीं क्या करे था। तुझे नहीं पता जहां नारा का बाप क्या करता था? तुझे अपने बेटे का इलम नहीं, उसके कारोबार का? तहसीन भाई, कब मरा था तेरा बेटा? बेटा कौन सा बेटा? जहां नारा का अब्बा। ये मेरी जहां नारा। हाँ, तेरी जहां नारा। जहां नारा तो मस्जिद के पिछवाड़े से मिली थी मुझे, कूड़े के ढेर पर से। फिर मैं उसे अपने कुर्ते में छुपाकर चौधरी के गांव को छोड़कर अपनों की बस्ती में, मुझे क्या पता किसके माँ बाप कौन थे, उसकी माँ कौन थी, इसका बाप क्या करता था, ये तो मुझे तोहफे में मिली थी। तूने मांगी है तो तोहफा समझ कर तुझे दे दूं। तोहफे की तरह रखना, इसमें मेरी जान। ना तहसीन भाई, मैंने मांग कर क्या करनी है तेरी जहान आरा। पर एक बात बता दूं कि आज से पहले मस्जिद के पिछवाड़े तुझे जहां नारा मिली थी वो बात और थी। अब तू उसे बस्ती से लेकर भाग जा,
मेरे पेट में तो मड़ोर उठ रहा है कि मैं ये बात बस्ती के लोगों से कैसे छुपाऊंगी। निकल जा, भाग जा, रेड़ा मंगवा और शाम से पहले पहले भाग जा, वरना बस्ती के लोग तेरी जहानारा को डले मार मार कर तूम कर रख देंगे। इनका मिजाज भी मेरी अम्मा जैसा है। निकल जा तहसीन भाई, निकल जा। ना मालूम बाप की बेटी को लोगों के पत्थरों से कैसे बचाएगा तू। कौन हो तुम लोग? सरकार, हम कारीगर लोग हैं। पीतल और कांसी के बर्तनों पर नक्शों निगार बनाते, गलत काम नहीं करते अल्लाह के फजल से। तुम्हारे बर्तनों ने तो ऐसा लश्कारा मारा बाबा के मेरी तो आंखें चुंधिया गईं। क्या मैं आपका सामान देख सकता हूँ? जहारा, जहारा, जहारा! Oh my God! What craftsmanship! What execution! बाबा जी, ये जो आपने नक्शों निगार बनाए हैं, बेलबोटा तरतीब दिया है, ये अनमोल है। ऐसा काम पुरानी मुगली इमारतों में नजर आता है। अब ऐसा कारीगर नायाब है, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं आपकी काम की तारीफ कर सकूं। बस बेटा बस, मेरी मेहनत वसूल हो गई। हमारे पुरखों ने ही ताजमहल सजाया था। मेरे दादा मीरासनुल्लाह जब टुकड़े के गिर्द बेल बूटे जमाते थे तो दुरूद शरीफ का वर्द किया करते थे। मैंने भी उसी तरह 32 साल 3 महीने उसके महबूब का जिक्र करके ये बासन बनाया। Believe it. सर बाबा जी, इस वक्त ऐसा कोई म्यूजियम मौजूद नहीं जो इसकी कीमत अदा कर सके। आप मेरे साथ चलें, मैं आज ही आपका पासपोर्ट बनवा कर वीजा लगवाता हूँ। वर्ल्ड आर्ट एग्जीबिशन हो रही है फ्रांस में, आप मेरे साथ चलेंगे। दादा! ओ भाई, कौन हो तुम? तमीज से बात करें। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा एंग्रेवर बैठा है तुम्हारे सामने। चलिए सर। वाह जी वाह, फ्रांस आपका मुंतजिर है। बस ये है सारी हकीकत इबादत की। इबादत का पांडा तैयार हो और मालिक के करम की निगाह पड़ जाए तो बागों बाग हो जाता है। कीमत वो मिलती है जो न वहम में न गुमान में, और जो पांडाई पास न हो
तो किसी की क्या नजर पड़नी है, क्या इनायत होनी है, क्या किसी ने नवाजना है। बाबा जी, पांडा तैयार रख और उसकी नजरे करम का इंतजार कर। बाबा जी, कभी कभी तो बिना तकलीफ भी मिल जाता है, मेहनत किए बगैर भी हासिल हो जाता है, इबादत किए बगैर भी। क्या ऐसा होता है? तूने कब तक सवाल बने रहना है भाई लोका, कब तक शागिर्द रहना है, कब मानने वालों के साथ चलना है, बता मुझे। मुझे माफ कर दे बाबा जी। जो सारी उम्र मुरीद रहा वो क्या जिया, जो सारी जिंदगी पढ़ता ही चला गया और पढ़ाने वाला ना बन सका, उसने क्या मुंह दिखाना है रब को। कच्चा न रह पक्का बन। मेरे अंदर बाबा जी बड़े रास्ते हैं, बड़ी पगडंडियां हैं, घुमन घेरियां हैं। तो फिर चला जा, जा भीड़ में गुम हो जा, जा चला जा, अच्छा पहन खुश हो, अच्छा खा निहाल हो, एक सवारी छोड़ दूसरी पे चढ़, ठंडा रह जा, हैरत में गुम हो जा, सवाली बना रह। बड़ा मेला लगा है उस तरफ, अब ये तेरे मन चले का सौदा है, इधर हो जा या उधर, ये तेरे मन का सौदा है, तेरे अपने मन का। ओ हक हक ओ हक 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 हल हल हक 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 कुंजड़े की से हाट है दुनिया, कुंजड़े की से हाट है दुनिया, जिन्स है सारी इकट्ठे, मीठी चाहे मीठी ले ले, मीठी चाहे मीठी ले ले, खट्टी चाहे खट्टी, तेरे मन चले का सौदा है, खट्टा और मीठा, तेरे मन चले